हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एज यू नो दैट वी आर कंप्लीटिंग चैप्टर नंबर 9 दैट इज सीक्वेंसेस एंड सीरीज. ओके स्टूडेंट, इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई हैड डिस्कस्ड फ्यू क्वेश्चन बेस्ड अपॉन जीपी. ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज ज्योमेट्रिक मीन. ओके सो लेट्स स्टार्ट ज्योमेट्रिक मीन. So student, like whatever thing we have done for AM means arithmetic mean, same thing we will do for geometric mean. Okay, and whenever we insert a geometric mean between two numbers, then all the three numbers will form a GP. Okay, so see, if there are two numbers, student, suppose if A and B are two numbers, if A and B are two numbers such as B is greater than A, then a geometric mean between them. A geometric mean between them is under root AB. Okay. So how it will come, students? So I will give the proof how it comes. Suppose, students, there are two numbers such as, suppose I am giving the proof of this statement. कैसे ये root AB आ गया? ठीक है? अगर दो नंबर A और B हो, ऐसे कि B A से बड़ा हो, तो उनके बीच का एक geometric mean कैसे calculate होगा? Under root AB. ठीक है? Now, देखो कैसे होगा. मान लो मैंने A और B लिखा, ठीक है, और इसके बीच में मैं एक GM लिखूंगा. GM मतलब geometric mean. So these all three will form a GP. ठीक है, these all three will form a GP. So I can say A comma GM comma B will form a GP. ठीक है, will form a GP. ठीक है. Now, अगर ये जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो इनका कॉमन रेशियो सेम होगा. अगर कोई भी टर्म्स आपस में जीपी फॉर्म कर रहे हैं तो उनका कॉमन रेशियो ठीक होगा, सेम होगा. जैसे हम लोग एरिथमेटिक मीन के लिए करते थे कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस, वैसे ही ज्योमेट्रिक मीन के लिए हम लोग कॉमन रेशियो निकालते हैं. ठीक है, थीके? तो अगर ये जीपी में है तो हम लोग आर कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह ना. आर कैलकुलेट कैसे करते हैं? नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म. सो आर कैन बी रिटन बाय जीएम अपॉन ए, लिख सकते हैं ना. कॉमन रेशियो हम जीएम अपॉन ए से कैलकुलेट कर सकते हैं. सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू बी बाई जीएम. ठीक है, दोनों से हम लोग कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं और दोनों कॉमन रेशियो आपस में इक्वल होगा बिकॉज दे आर फॉर्मिंग अ जीपी. सो व्हेन वी विल इक्वेट दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी कैन से जीएम अपॉन ए इज इक्वल टू बी बाई जीएम. ठीक है, जीएम जीएम का मल्टीप्लाई करोगे तो जीएम इंटू जीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी आएगा. ठीक है, तो जीएम जीएम यानी कि जीएम इंटू जीएम विल बी जीएम स्क्वायर. जीएम का स्क्वायर यानी कि ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए बी. सो जीएम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए बी. ये इसका प्रूफ है. जैसे आपने एएम के लिए किया था वही चीज हम लोग, वैसे ही हम लोग जीएम के लिए करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के लिए. तो अगर दो नंबर दिया हो और उनके बीच आपको एक जीएम इंसर्ट करना हो तो उसके बीच का जीएम क्या होता है? अंडर रूट ए बी. तो दिस यू हैव टू रिमेम्बर, सो प्लीज नोट डाउन इट. ये तो था जब एक ज्योमेट्रिक मीन हम लोग ऐड करेंगे. ठीक है, मान लो एन ज्योमेट्रिक मीन ऐड करना है सपोज. ठीक है, तो हेडिंग हम लोग करेंगे स्टूडेंट, हेडिंग हमारा क्या होगा? एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स. जैसे हम लोगों ने एएम के लिए किया था वैसे ही हम लोग जीएम के लिए करेंगे. ठीक है,
सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. अगर दो नंबर ए और बी है तो उनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ए बी होता है, ठीक है. और वो तीनों ए जी एम और बी तीनों के तीनों जीपी फॉर्म करेंगे. तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोगों की एन ज्योमेट्रिक मीन एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स. सो सेम प्रोसेस वी विल अप्लाई लाइक वी डिड फॉर एपी एम, ठीक है. तो सपोज लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है. एंड वन मोर थिंग, टू नंबर्स वेयर बी इज ग्रेटर देन ए एंड G1, G2, G3 एंड सो ऑन अप टू GN आर एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम, ठीक है. ए और बी दो नंबर हैं और उनके बीच में G1 से लेकर GN तक एन ज्योमेट्रिक मीन है. सो दे ऑल विल फॉर्म अ जीपी. सो ए कॉमा G1 कॉमा G2 एंड सो ऑन कॉमा एक और लिख देते हैं कॉमा G3 कॉमा एंड सो ऑन GN एंड कॉमा A विल सॉरी B कॉमा B विल फॉर्म अ जीपी. मीन्स जब हम लोग इंसर्ट करेंगे इनके बीच में एन ज्योमेट्रिक मीन तो वो सारे नंबर मतलब A और B और उनके साथ बीच के सारे नंबर क्या फॉर्म करेंगे जीपी, ठीक है. तो अब बताओ मुझे स्टूडेंट्स ए और बी पहले से दो नंबर थे और उनके बीच में मैंने एन नंबर इंसर्ट किया एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे यहां से यहां तक कितने हैं एन टर्म्स हैं यहां से यहां तक एन टर्म्स हैं सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे हमारे एन प्लस टू ठीक है एन प्लस टू और हमारा जो एन प्लस टू वा टर्म होगा वही हमारा बी होगा ये फर्स्ट टर्म ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ एंड सो ऑन और जो हमारा लास्ट वाला ये है वही हमारा क्या होगा एन प्लस टू वा टर्म सो हम लोग लिख सकते हैं ए एन प्लस टू इज इक्वल टू बी लिख सकते हैं ना जो हमारा एन प्लस टू वा टर्म है यहां पर देखो यहां से यहां तक एन टर्म है और ये दोनों एन प्लस टू टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस टू होंगे तो इसका मतलब जो एन प्लस टू वा टर्म होगा वो हमारा बी होगा दैट इज ऑल्सो द लास्ट टर्म ठीक है और हम जानते हैं स्टूडेंट जीपी में कि ए एन इक्वल टू क्या होता है ए इंटू आर एन माइनस वन जीपी का एनएफ टर्म इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है ठीक है जीपी का एनएफ टर्म इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है यानी कि ए एन इज इक्वल टू ए इंटू आर एन माइनस वन मतलब कि जिस भी टर्म की वैल्यू निकालनी है उसमें फर्स्ट टर्म में एक कम आर का पावर एड करते हैं ठीक है आर का पावर मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ए एन प्लस टू किसके बराबर होगा ए आर एन प्लस टू माइनस वन इक्वल टू बी होगा अरे ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन सो ए एन प्लस टू हो जाएगा ए आर एन प्लस टू माइनस वन ठीक है तो ये आ जाएगा ए आर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी तो यहां से आप r की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो r का पावर n प्लस वन इज इक्वल टू बी बाई ए सो r विल बी इक्वल टू बी बाई ए पावर वन बाई एन प्लस वन देखो आपको पता है ना ये चीज जब x स्क्वायर करते हो x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर तो x का मतलब क्या होता है अंडर रूट फोर या x इसको ऐसे भी लिखते हैं x का पावर x इज इक्वल टू फोर टू पावर वन बाई टू ऐसे भी लिखते हैं ठीक है या अगर x टू पावर n इज इक्वल टू फोर है तो जब ये पावर n हटेगा तो फोर का पावर वन बाई एन आ जाएगा ठीक है रेसिप्रोकल में पावर आ जाता है जब तो वही चीज है
जब r का पावर n प्लस वन इज इक्वल टू b बाई ए है तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई ए होल पावर 1 बाई एन प्लस वन। तो यहां से r की वैल्यू मिल गई जो हम लोग वहां पे d निकालते थे, यहां पर क्या निकालते हैं r, ठीक है। बस अब r मिल गया तो एक बात बताओ मुझे, हमें ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, देन जो हमारा जीवन होगा जीवन यानी कि फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा जीवन दैट इज द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी, और किसी भी जीपी का जो सेकेंड टर्म होता है वो होता है a इंटू आर, किसी भी जीपी का जो सेकेंड टर्म होता है वो a इंटू आर होता है और जीवन हमारा सेकेंड टर्म ही है, तो जीवन क्या हो जाएगा a इंटू बी अपॉन ए वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहां से हमारा जीवन निकल गया। सिमिलरली अगर हम जी टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा a, जी टू हमारा थर्ड टर्म है तो इट विल बी ए आर स्क्वायर, सो a इंटू बी बाई ए, ठीक है, टू अपॉन एन प्लस वन ये आएगा, क्योंकि जब b बाई ए पावर वन बाई एन प्लस वन था ना, और इसका पावर जब टू करोगे आप तो पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो टू अपॉन एन प्लस वन आ जाएगा। इसी तरह जब जी थ्री निकालोगे तो दैट विल बी ए आर थ्री एंड दैट विल बी इक्वल टू a इंटू बी अपॉन ए थ्री अपॉन एन प्लस वन। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर आपको जी एन निकालना हो जी एन तो जी एन विल बी इक्वल टू a इंटू आर टू पावर एन, सो जी एन विल बी इक्वल टू a इंटू बी बाई ए होल पावर एन अपॉन एन प्लस वन। तो इस तरह आप एन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हो दो नंबर के बीच में, ठीक है। इसी से क्वेश्चन अभी कराएंगे आपको, आर की वैल्यू क्या होती है बी अपॉन ए होल पावर वन बाई एन प्लस वन, उसके बाद देख के कि जीवन कौन सा टर्म है जी टू कौन सा टर्म है उसकी वैल्यू पुट करोगे आर की तो ऑटोमेटिकली आपको एन ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएंगे, किसके किसके बीच में ए एंड बी के बीच में, बिल्कुल सेम प्रोसेस है व्हाटएवर वी डिड फॉर एपी एएम, ठीक है। एपी में जो किया था एरिथमेटिक मीन के लिए वही हम लोग करते हैं जीपी में ज्योमेट्रिक मीन के लिए, ठीक है। और ये अगर समझ नहीं आया आपको कि ये टू अपॉन एन प्लस वन क्यों हुआ, क्योंकि आर स्क्वायर था तो आर की वैल्यू थी बी अपॉन ए पावर वन बाई एन प्लस वन और उसका भी पावर टू, तो जब पावर का पावर होता है तो पावर पावर मल्टीप्लाई होते हैं तो दैट्स व्हाई टू अपॉन एन प्लस वन आया है। ऐसे ही थ्री अपॉन एन प्लस वन फोर अपॉन एन प्लस वन और एनथ वाला हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन ज्योमेट्रिक मीन इज दैट Insert three numbers between a 1 and 256 so that the resulting sequence is a GP. So it means that there are two numbers. Suppose a is equal to 1 and b equal to 256 and we have to insert three numbers between them. So suppose a then g1, g2 and g3 and b. Okay? मतलब हमें ये करना है यहाँ पे 1 है ये g1 है it is g2 इट इज जी थ्री एंड 256 और ऐसे इंसर्ट करना है कि ये क्या फॉर्म कर ले ये जीपी फॉर्म कर ले, ठीक है। तो अगर ये जीपी फॉर्म करेगा स्टूडेंट तो आप खुद देखो कितने नंबर हमने इंसर्ट किया थ्री, हम लोगों ने थ्री नंबर इंसर्ट किया, हम लोगों ने एन नंबर इंसर्ट करने का फॉर्मूला पढ़ा था दैट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले देखेंगे कि एन की वैल्यू कितनी है यहां पर, तो एन की वैल्यू यहां पर थ्री है और टोटल टर्म्स कितने थे, वो एन वही होता है जितने नंबर हम इंसर्ट करते हैं, कितने नंबर इंसर्ट किए हैं तीन, तो यहां पे n की वैल्यू तीन, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म पांच है। तो r क्या निकालेंगे स्टूडेंट, r का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने b अपॉन a वन बाई एन प्लस वन, यही बताया था ना b अपॉन a वन बाई एन प्लस वन, जो हमने कैलकुलेट किया था तो ये आया था b अपॉन a वन बाई पावर वन बाई एन प्लस वन। तो यहां से पहले r निकाल लीजिए, r इज इक्वल टू b की वैल्यू 256 है और a हमारा वन है एंड होल पावर वन बाई थ्री प्लस वन, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो आई स्टूडेंट वो आई 256 का पावर वन बाई फोर, ठीक है। अच्छा एक काम करो,
जो भी नंबर है 256 उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, ठीक है। तो जब 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो आएगा 2 to power 8, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होगी वो 2 to power 8 के बराबर होगी एंड इसका पावर कितना है 1/4। और आपको ही पता है जब पावर का पावर होता है तो पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 और इसको लिख सकते हैं हम 8 into 1/4। सो आर इज इक्वल टू 2 का पावर, ये 8 4 से कट जाएगा 2 टाइम्स, सो 2 का पावर 2, सो आर विल बी इक्वल टू 4। तो यहां से आर मिल गया, पहला टर्म पता ही हमको ए दैट इज 1। तो हमारा जो जीवन होगा स्टूडेंट, जीवन इज द सेकेंड टर्म ऑफ द जीपी, जीवन जो है हमारा सेकेंड टर्म है। और किसी भी जीपी के सेकेंड टर्म को किससे लिखते हैं, ए इंटू आर, ऐसे ही तो लिखते हैं ए इंटू आर। तो ए की वैल्यू 1 है और आर 4 है, तो यानी कि ये आ गया 4, ठीक है। सिमिलरली जो जी टू है हमारा दैट इज द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी, सो इसको लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर, ठीक है। ए कितना है 1 और आर कितना है 4 का स्क्वायर, तो 1 into 4 का स्क्वायर यानी कि 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 16। सिमिलरली G3 जो हमारा होगा वो होगा फोर्थ टर्म, G3 इज द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी, सो इट विल बी इक्वल टू ए आर क्यूब एंड ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 4 है, तो 4 का पावर क्यूब, 4 का क्यूब 64 होता है, 64 into 1 64। सो तीन नंबर हमें मिल गया ना, सो व्हाट विल बी द जीपी, सो जीपी विल बी व्हाट हमारा था, जीपी क्या था, ये था 1 था, देन G1 था, देन G2, देन G3 एंड 256। तो यहां पुट कर दो 1 4 16 64 256, तो हमने तीन नंबर ऐसे इंसर्ट कर दिए जिसको जियोमेट्रिक मीन ही बोलते हैं, जिससे ये पूरे नंबर किसमें हो गए, जीपी में हो गए, ठीक है। तो वही मेथड है जो मैंने आपको उस क्लास में बताया था, जो मैंने अरिथमेटिक मीन के लिए बताया था, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट्स सॉल्व कर सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, पहले आर निकालना है, याद रखना जब भी एन जियोमेट्रिक मीन या एन अरिथमेटिक मीन निकालना होता है तो वहां पे एन वो वैल्यू होती है जितने हमको इंसर्ट करना होता है। तो यहाँ पे 3 इंसर्ट करना था तो एन की वैल्यू 3 है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो एन प्लस 2 होंगे, एन जो होता है वो जियोमेट्रिक मीन होता है, ठीक है। सो प्लीज नोट डाउन इट, आफ्टर दैट आई विल टेल यू रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। सो व्हाट वी विल राइट, लेट ए एंड जी आर एएम एंड जीएम ऑफ टू रियल नंबर्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेट ए एंड जी, मीन्स एम को हम लोग अरिथमेटिक मीन को ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन को जी से। सो लेट ए एंड जी आर द एम एंड जीएम ऑफ टू रियल नंबर्स A and B respectively. So we know now AM is equal to what? AM होता है क्या? A plus B by 2 and GM होता है under root AB. यही तो होता है. We know now arithmetic mean of two number is equal to A plus B by 2 और geometric mean of two number is equal to under root AB. So AM को मैं A से replace कर रहा हूं because arithmetic mean को मैंने A माना है. So that's why A is equal to A plus B by 2. एंड जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सपोज ये वाला जो है हमारा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, इसको इक्वेशन 1 मान लिए एंड जी इक्वल टू अंडर रूट ए बी को इक्वेशन नंबर 2 मान लिए, ठीक है। तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। सो वेन आई विल माइनस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई विल गेट a माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ए बी, ठीक है।
नाउ सॉल्व इट. सो ए माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी डिवाइड बाई टू. नाउ स्टूडेंट सी ए माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस टू अंडर रूट ए बी होल डिवाइड बाई टू. तो ये तो ए माइनस जी ही होगा. और ध्यान दो इस a को ये कुछ फॉर्मूला फॉर्म करेगा. ये वाला चीज न्यूमरेटर इसका, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ए का स्क्वायर. लिख सकते हैं क्योंकि अंडर रूट ए का स्क्वायर, अंडर रूट ए का जो स्क्वायर होगा वो a के बराबर होगा. ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट बी का स्क्वायर. और इसको मैं लिख सकता हूं टू इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी एंड होल डिवाइडेड बाई टू. लिख सकते हैं. अब देखो जो हमारा न्यूमरेटर है राइट हैंड साइड का, दैट विल फॉर्म अ फॉर्मूला, द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर. तो इस न्यूमरेटर के प्लेस पे हम फिल कर सकते हैं अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू. ठीक है. अच्छा बताओ स्टूडेंट्स, अगर दो नंबर का, मान लो आपके पास दो नंबर है फॉर एग्जाम्पल ए और बी, और आपने दोनों का सब्ट्रैक्शन निकाला और उसका स्क्वायर कर दिया. ठीक है. अगर ए और बी रियल नंबर है स्टूडेंट, इफ मैंने लिखा है ए एंड बी आर रियल नंबर. ठीक है. अगर ए और बी रियल नंबर है तो मैंने दोनों का डिफरेंस निकाला, तो दोनों का डिफरेंस भी रियल नंबर होगा. और अगर रियल नंबर का स्क्वायर करते हो आप तो क्या क्या वैल्यू मिल सकती है सोचो जरा. अगर रियल, ये एक ए माइनस बी रियल नंबर होगा. ठीक है. और रियल नंबर का जब स्क्वायर करोगे तो आपको या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, आपको या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा, या अगर मिनिमम वैल्यू देखोगे तो मिनिमम वैल्यू जीरो मिलेगी. किसी भी चीज का स्क्वायर, आपको पता है ना, किसी भी चीज का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है अगर नंबर रियल है तो. अगर कोई नंबर रियल है, मैं इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रियल नंबर की बात कर रहा हूं. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर टू रियल नंबर्स ए एंड बी. तो अगर दो नंबर है और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो भी रियल ही होगा. तो अगर रियल नंबर का स्क्वायर करते हो आप तो मिनिमम वैल्यू आपको या तो जीरो मिल सकती है या कोई पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, नेगेटिव कभी नहीं मिलेगा. कभी भी आप रियल नंबर का स्क्वायर करते हो तो मिनिमम वैल्यू जीरो मिल सकती है या हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा. तो इसका मतलब यह है कि इस जो क्वांटिटी होगा ऊपर वाली क्वांटिटी, उसकी जो वैल्यू हमको मिलेगी या तो हमको जीरो मिलेगी क्योंकि हमको पता नहीं, मान लो ए और बी सेम हो जाए तो उस केस में जीरो मिलेगी, और जब सेम नहीं होंगे तो उस केस में पॉजिटिव मिलेगी. तो कहने का मतलब यह है टू तो पॉजिटिव है ही, हमको डिपेंड कर रहा है इस पे कि इसका साइन होगा क्या. तो जो न्यूमरेटर है, जो हमारा अंडर रूट, खुद देख लेना आप, एग्जाम्पल देखिए कर लेना समझ में आ जाएगा. ये जो ये है अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का जो स्क्वायर है, या तो ये कभी जीरो होगा, या तो ये जीरो के बराबर हो सकता है, या ये हमेशा जीरो से बड़ा यानी कि पॉजिटिव होगा. ठीक है. कब, जब ए एंड बी आर रियल नंबर्स. ठीक है. यही दो कंडीशन मिलेगी आपको क्योंकि टू तो पॉजिटिव है ही, हमको इससे पता करना है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव. तो आप खुद जानो किसी भी चीज का स्क्वायर, अगर कोई नंबर रियल है तो उसका स्क्वायर या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा. तो कहने का मतलब ये है अगर इन दोनों कंडीशनों को कंबाइंड करें तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, या तो जीरो होगा या जीरो के बराबर होगा. ठीक है. ये जो कंडीशन है, इस चीज का जो स्क्वायर है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा ही होगा यानी कि पॉजिटिव होगा. तो क्या कह सकते हैं हम, ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है यहां पे ताकि आपको समझ में आ जाए. चाहो तो आप साइड में लिख सकते हो. ठीक है. तो मैं उसको लिख रहने दे रहा हूं ताकि आप लिख लो, अदरवाइज क्योंकि बाय चांस कभी भूल जाओ तो आपको याद आ जाएगा कैसे हो रहा है. किसी भी, अगर दो नंबर रियल है तो उनका सब्ट्रैक्शन भी रियल होगा, और उनका सब्ट्रैक्शन अगर रियल है तो उनका स्क्वायर करोगे तो उनका स्क्वायर या तो पॉजिटिव आएगा या जीरो के बराबर आएगा. तो यानी कि ये जो ए अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर है, या तो ये जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा. तो हम कह सकते हैं इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू, इस पूरे क्वांटिटी की वैल्यू यानी कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो. ठीक है. तो मान लो ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड था. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री वी कैन से जो ए माइनस जी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के बराबर है तो ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है ना, ये दोनों तो आपस में इक्वल ही है. अगर ये वाला चीज जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा है तो इसका मतलब जो हमारा ये चीज है,
जो हमारा a माइनस जी है वो भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ना, ये दोनों आपस में इक्वल है। और अगर ये राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है, तो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के बराबर ही होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं कि a माइनस जी विल ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक कंडीशन निकला, दैट इज a इज ग्रेटर और इक्वल टू z, मतलब कि जो अरिथमेटिक मीन होगा दो नंबर के बीच का वो या तो g के बराबर होगा या g से हमेशा बड़ा होगा, g से छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इससे एक रिजल्ट निकला हमारा, ये सब आप लिख लेना ताकि आपको हेल्प आए। ठीक है, किया क्या हमने, पहले अरिथमेटिक मीन निकाला दैट इज a प्लस बी बाई टू, फिर g निकाला दैट इज अंडर रूट ए बी, दो इक्वेशन मिले, दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस किया तो एक रिजल्ट मिला ये। उसके बाद हमें देखना था कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर क्या हो सकता है। तो a और b रियल नंबर थे, तो दो रियल नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तब भी रियल आएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालोगे तब भी रियल आएगा। मतलब कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी हमेशा रियल होगा, और रियल नंबर का जब स्क्वायर निकालते हैं हम लोग तो या तो उसकी वैल्यू जीरो के बराबर होती है या जीरो से बड़ी होती है। तो यहां से हमने एक स्टेटमेंट निकाल लिया कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। और अगर ये पूरा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो है तो टू से डिवाइड करोगे तब भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो ही होगा। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी या तो जीरो के बराबर होगी या जीरो से बड़ा होगा। अब इक्वेशन थ्री हमारा क्या था कि a माइनस जी किसके बराबर था, अंडर रूट a माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू। चूंकि राइट हैंड साइड की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। सो दैट्स व्हाई a माइनस जी विल बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। सो यहां से रिजल्ट आ गया कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब अगर दो नंबर का अरिथमेटिक मीन और दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन का रिलेशन बताना है तो या तो अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो यही कंडीशन है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज नोट डाउन इट। इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे, फिर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व इट, कॉपी इट, देन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस। Now student, one question based upon AM and GM relationship is that the if AM and GM between two positive number A and B are 10 and 8 respectively, then find the numbers. दो नंबर है A and B और उनका AM and GM दिया हुआ है, that is 10 और 8. तो we have to find the numbers. ठीक है, so see, two numbers क्या है student? Two numbers are A एंड B. ठीक है, एंड A की वैल्यू, AM की वैल्यू गिवन है 10 एंड GM की वैल्यू गिवन है दैट इज 8. ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, AM हम जानते हैं क्या होता है, AM इज इक्वल टू A प्लस बी बाय टू। ठीक है, और AM है कितना 10, तो 10 इज इक्वल टू A प्लस बी बाय टू। सो यहां से A प्लस बी की जो वैल्यू निकलेगी दैट इज 20. ठीक है, इट इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ सिमिलरली जीएम वी नो दैट अंडर रूट ए बी होता है। ठीक है, दो नंबर के बीच का जीएम क्या होता है, अंडर रूट ए बी, एंड जीएम इज इक्वल टू 8, सो 8 इज इक्वल टू अंडर रूट ए इनटू बी। तो जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने रिलेशन बताया था वैसे ही करना है इसमें। ठीक है, क्या देखो, हम अगर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस कर दें, यहां से ऐसे कर सकते हैं इसको कि अंडर रूट ए बी इक्वल टू 8, इट इज इक्वेशन नंबर टू। क्या करो, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को माइनस कर दो, जैसे हमने रिलेशन किया था एम और जीएम का वैसे ही। तो करेंगे अगर, तो इस साइड आ जाएगा ए प्लस बी माइनस रूट ए बी, और इस साइड आ जाएगा 20 माइनस 8। समझ पा रहे हो ये चीज, पहला इक्वेशन ये था, दूसरा इक्वेशन था, दोनों को बस माइनस कर दिया है, एम में से जीएम को माइनस कर दिया। तो a प्लस बी माइनस रूट ए बी इज इक्वल टू 20 माइनस 8। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टूडेंट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। अब एक चीज और कर सकते हैं यहां से स्टूडेंट, सुनो, अगर चाहो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बन जाएगा इस तरह, रुक जाओ अभी, अब इसको माइनस मत करो। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट ए आप निकाल नहीं पाओगे, ये हमारा आया ना अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, तो ए बी की वैल्यू किसके बराबर आ जा रही है, 64 की।
सो इट इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, अरे अंडर रूट ए बी इज इक्वल टू 8 है तो ए बी विल बी 64, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे. तो अब ध्यान दो, हमको एक आइडेंटिटी पता है कि a माइनस बी का जो स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab. ठीक है, तो पहले यहां से a माइनस बी निकाल लेते हैं. तो a माइनस बी का जो स्क्वायर है, सपोज a प्लस बी का वैल्यू कितनी थी 20, तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64. ठीक है, माइनस 4 इंटू 64. ठीक है, अब देखो ध्यान से, a माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा, a माइनस बी का स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400 माइनस 256. सो a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 144. इट इज क्लियर. ठीक है, तो यहां से जो a माइनस बी की वैल्यू आएगी स्टूडेंट, a माइनस बी की वैल्यू वो होगी प्लस माइनस अंडर रूट 114. ठीक है, यहां पर प्लस माइनस दोनों लेंगे क्योंकि पता नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है. ठीक है, तो a माइनस बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 12. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले प्लस लेके चलते हैं. सपोज व्हेन a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी इज इक्वल टू 12 माइनस 12. a माइनस बी इक्वल टू 12, पहले ये लेके चलते हैं. ठीक है, क्योंकि दो वैल्यू आई है, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 है, सो a माइनस बी इक्वल टू 12. इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड. ठीक है, जब मैंने प्लस वाला साइन लिया था, अब क्या कर रहे हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं साथ में. तो फर्स्ट इक्वेशन था a प्लस बी इक्वल टू 20 और सेकेंड है, थर्ड है a माइनस बी इक्वल टू 12. दोनों को सॉल्व करोगे तो 2a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32, सो a विल बी 16. ठीक है, a विल बी 16. तो अगर किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4. ठीक है, मैंने डायरेक्टली कर दिया है, आप कैलकुलेट करके कर सकते हो. ठीक है, किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b 4 आएगा. ठीक है, अच्छा a 16 b 4, ये दो वैल्यू आ गई, यही दो नंबर थे हमारे, तो हमारा आंसर आ गया. ये तब था जब हमने a माइनस बी की वैल्यू 12 ली थी. मान लो व्हेन a माइनस बी कितना होगा स्टूडेंट, व्हेन a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12. ठीक है, तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, एक बार मैंने प्लस साइन लिया था तो a माइनस बी इक्वल टू 12, उसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लिया था. इक्वेशन वन हमारा था a प्लस बी इक्वल टू 20, इक्वेशन थर्ड है हमारा a माइनस बी इक्वल टू 12. दोनों को सॉल्व किया तो a इक्वल टू 16, b इक्वल टू 4. ठीक है, और दूसरे केस में जब a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12 लेंगे, अब इस केस में इक्वेशन वन और फोर्थ को सॉल्व करेंगे. तो इक्वेशन वन था a प्लस बी इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन बी है 4 है a माइनस बी इक्वल टू माइनस 12. दोनों को सॉल्व करोगे तो यहां पर 2a इज इक्वल टू क्या आएगा 8, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा 4. ठीक है, अब इससे सॉल्व करो. देखो पहले क्या किया, a माइनस बी इक्वल टू 12 लिया, उसको मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड. इक्वेशन थर्ड इसलिए माने क्योंकि इक्वेशन नंबर टू यहां मिल गया था. ठीक है, अब क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया तो a की वैल्यू हमको मिल गई थी 16. तो फर्स्ट और थर्ड में किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू 16 पुट कर दोगे तो b 4 आ जाएगा. तो उस केस में दो नंबर क्या क्या होंगे, 16 एंड 4. अब जब a माइनस बी की वैल्यू माइनस 12 लिए हैं तो उस केस में a की वैल्यू 4 आई है, और फर्स्ट और फोर्थ में कहीं भी a की वैल्यू पुट कर दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 16. तो इस केस में जो नंबर्स होंगे, स्टूडेंट दैट विल बी 4 एंड 16. तो पहले आया था 16 एंड 4 और दूसरे बार आया है 4 एंड 16. तो यहां पर दो नंबर मिलेंगे, पहले केस में 16 और 4 दो नंबर होंगे, दूसरे केस में 4 और 16 होंगे. ठीक है, ये दो नंबर इसलिए इस तरह आए हैं क्योंकि a माइनस बी हमको पता नहीं था ना कि a बड़ा है या b बड़ा है. हमने ऐसे तो हम लोग करते आ रहे हैं कि मान लिया a बड़ा है b बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन में तो ये नहीं पता ना कि दोनों नंबर a और b में बड़ा कौन है, तो इसीलिए दोनों साइन लिए हैं प्लस और माइनस दोनों का. ठीक है, तो इस तरह हमारा दोनों नंबर आ गया. तो कहने का मतलब है कि am निकाल लो, gm निकाल लो, gm का स्क्वायर कर दो, उसके बाद कुछ आइडेंटिटी का यूज करके दूसरा इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों को सॉल्व कर लो. तो जब सॉल्व करोगे तो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी. तो इस तरह आप am और gm इक्वेशंस कर सकते हो. तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. एक चीज और प्रैक्टिस करना आएगा. ठीक है,
एक लास्ट भी बता दे रहे हैं, इसके बाद आपका एक्सरसाइज 9.3 आराम से हो जाएगा, ठीक है, और करिए, करेंगे आप तभी आपको आएगा अच्छे से, मुझे तो आता ही है, करना आपको है, मुझे नहीं। ओके, सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, ओके, डोंट शो लेजीनेस इन योर एक्टिविटी, फॉर साइंस स्टूडेंट इट डज नॉट सूट, ठीक है, साइंस बच्चों पर ये सूट नहीं करता कि वो लेजीनेस दिखाएं। अब देखो, जैसे हम लोग एम के लिए पढ़ा था कि अगर ए बी और सी तीन नंबर एपी में है तो ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, वैसे ही हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी देन बी का जो स्क्वायर होता है दैट इज ए सी के बराबर होता है, ठीक है, ये आप कर सकते हो। अरे जब तीन नंबर होंगे तो बीच वाला टर्म नहीं, तीन नंबर अगर जीपी में है तो उनके बीच, तो जो बीच वाला टर्म होगा यानी कि जो मिडिल टर्म होगा दैट विल बी ज्योमेट्रिक मीन, आपको पता ही है जैसे एम में होता था एरिथमेटिक मीन में कि अगर तीन नंबर दैट इज ए बी एंड सी एपी में है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता था, वैसे ही अगर ए बी एंड सी जीपी में है तो बी का जो स्क्वायर होगा वो ए और सी के बराबर होगा। इसका मैं प्रूफ बता सकता हूं आपको, प्रूफ देख लीजिए, देखो गिवन दैट ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, ठीक है, तो उनका कॉमन रेशियो सेम होगा तो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, बी बाई ए के, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर वन, और एक और आर की वैल्यू निकलेगी दैट इज सी बाई बी, ठीक है, और दोनों ही केस में आर तो सेम ही होगा क्योंकि जीपी है तो जीपी में आर सेम होता है, तो बाय इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड टू वी कैन राइट बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, तो वेन यू विल डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सो बी इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू सी, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। याद रखना व्हेनेवर यू हैव थ्री नंबर्स एंड दे ऑल थ्री नंबर्स आर इन जीपी सो द मिडिल टर्म विल बी द ज्योमेट्रिक मीन, सिमिलरली इफ थ्री नंबर्स आर इन एपी देन द मिडिल टर्म इज नोन एज द एरिथमेटिक मीन, और एरिथमेटिक मीन होता है अगर स्टूडेंट सॉरी लगा नीचे गिर गया, अगर एरिथमेटिक मीन होता है तो ट्वाइस ऑफ बी इज इक्वल टू ए प्लस सी होता है, और ज्योमेट्रिक मीन होता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है, सो दैट मच डिस्क्रिप्शन आई हैव डन फॉर यू एंड इट इज वेरी इजी एंड वट एवर इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू जीपी आई हैड गिवन टू यू, सो बेस्ड अपॉन दैट डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन यू कैन इजिली सॉल्व 9.3। इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो स्टूडेंट वी विल डिस्कस सम मिसलेनियस सीरीज, ओके, सो फॉर टिल देन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस वेल, ओके, सो रिमेनिंग थिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, सो टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।